हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ वेरी ब्रॉड एलिवेटर इज गोइंग अप वर्टिकली विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 m/s². एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 4 m/s, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट विद द स्पीड 4 m/s रिलेटिव टू द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑफ 30 degrees। The time taken by ball to return the floor is, okay? तो इस तरह से क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लेते हैं। देखो क्या कहा है, एक लिफ्ट है या फिर एक एलिवेटर है जो 2 m/s² इस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, मतलब इसका अपवर्ड जो एक्सेलरेशन है a equals to 2 m/s² दिया है, okay? और जब इसकी वेलोसिटी 4 m/s हो जाती है इस एलिवेटर की, यहां से हम लोग एक बॉल को थ्रो करते हैं विद सम एंगल 30 degrees। तो जब हम लोग इस बॉल को थ्रो करेंगे, तो समझो मैं इस एलिवेटर को थोड़ा सा एक्सटेंड करके शो करता हूं। समझो यहां से मैंने इस बॉल को थ्रो किया है विद सम एंगल 30 degrees, तो ये बॉल का जो ट्रैजेक्टरी रहेगी ये कुछ इस तरह से रहेगी, राइट? और ये एलिवेटर पर आकर गिरेगा क्योंकि रिटर्न टू द फ्लोर ही कहा इन्होंने। और ये समझो हमारी एक्स एक्सिस, तो इसको हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो एंगल होगा इनिशियल वेलोसिटी का ये रहेगा 30 degrees। नाउ ये कंडीशन है यहाँ पे। तो जब इस बॉल को हमने थ्रो किया है, तो इसको वापस आने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज करेंगे, लेकिन उसमें देखो जैसे मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, क्योंकि हमें फाइंड करना है इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां पे हम लोग y कंपोनेंट्स लेंगे, राइट? और जब पार्टिकल इस फ्लोर से होकर इसी फ्लोर में जब वापस आता है, तो अलोंग वर्टिकल, अलोंग y एक्सिस, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। यहां पे u सफिक्स y हमें फाइंड करना पड़ेगा, ओके? तो अब इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस बॉल को जो थ्रो किया गया था उसकी स्पीड थी 4, तो यहां पे हम लोग कंपाउंड लिखेंगे, ये होगा 4 cos 30 और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा 4 sin 30, राइट? तो यहां पे ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये रहेगा 4 sin 30 और टाइम टी जो है ये हमें फाइंड करना है प्लस हाफ। अब ए सफिक्स वाई कितना, अब ये जब बॉल को हम लोग थ्रो करेंगे तो वो तो अंडर ग्रेविटी में होगा, मतलब मैं लिख सकता हूं ए सफिक्स वाई इक्वल्स टू जी, और जी हमें पता है निगेटिव होता है, राइट? पर एक प्रिकॉशन हमें यहां पे ये लेना जरूरी है कि बॉल अंडर ग्रेविटी मूव हो रहा है, और अगर ये लिफ्ट, ये एलिवेटर अगर रेस्ट में होता तो ए की वैल्यू डेफिनेटली जी होती, मतलब ए सफिक्स वाई ये जी होता, क्योंकि ये फ्लोर उस केस में रेस्ट में होता। बट दिस फ्लोर इज नॉट इन एट रेस्ट, ये जो फ्लोर है ये मूव हो रहा है विद सम एक्सेलरेशन 2 m/s², राइट? मतलब क्या कि अगर हम लोग बॉल का एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड लेते हैं, तो एट द सेम टाइम ये जो लिफ्ट है ये भी ऊपर जा रही है, तो क्योंकि दोनों का जो एक्सेलरेशन है यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस केस में ये रहेगा माइनस ऑफ 10 + 2 इज इक्वल टू, ये रहेगा -12 m/s², तो ये रहेगा नेट एक्सेलरेशन अलॉन्ग वर्टिकल फॉर दिस बॉल। सो ये हो जाएगा 4 sin 30 कितना होता है, यहां पे मुझे इस लाइन में लिखना था, हाफ इंटू ये हो जाएगा -12 t² हमें फाइंड करना है, राइट? तो 4 sin 30 होता है 1/2 t -6 t², तो ये -6 t² शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 t² इक्वल्स टू 2 t, यहां से 1 t कैंसल, सो t विल बी वॉट 2/6, मतलब फाइनल ये हो जाएगा टी की वैल्यू 1/3 सेकंड, मतलब क्या कि 1/3 सेकंड के बाद ये बॉल फिर से ग्राउंड पर आकर गिर जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर गलती से हमने 10 ले लिया तो आंसर रॉन्ग हो जाता है। लिफ्ट जो है वो रेस्ट में नहीं है, ये जो फ्लोर जो है वो रेस्ट में नहीं है, ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन उसके साथ ऐड हो जाएगा, ओके? क्लियर है?